नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2020 के दूसरे हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू PM ऑफ स्लोवेनिया? स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर है जाने जानसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट विच प्लेस? चौथा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कौन सी जगह पर होगा? तो इसका आंसर है कोची। Now next question is, जन औषधि दिवस वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7th मार्च। Now next one is, who is the chairman of a recently reconstituted national platform for disaster risk reduction? हाल ही में दोबारा से गठित नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है अमित शाह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स 2020? एम्पावरिंग वुमन्स एंटरप्रेन्योर 2020 के ऊपर सम्मेलन का आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? तो इसका आंसर है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप प्लांट्स? सोलर रूफटॉप प्लांट्स के इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? तो इसका आंसर है गुजरात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट असेंबली हैज अप्रूव्ड अ बिल ऑन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट? कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए एक बिल कौन सी विधानसभा ने अप्रूव किया? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। Now next question is, the Hubli-Ankola railway line project belong to which state? Hubli-Ankola railway line project किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। Now next question is, Joy Bangla will be recognized as the नेशनल स्लोगन ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के राष्ट्रीय स्लोगन के रूप में जॉय बंगला को मान्यता मिलेगी? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द 9th इंडियन बॉक्सर to qualify for Tokyo Olympics after a win at the Asian qualifiers in Amman, Jordan? Jordan के अमन में Asian qualifiers में जीत के बाद Tokyo Olympics के लिए qualify करने वाला 9वां Indian boxer कौन बना? तो इसका आंसर है मनीष कौशिक।
Now next question is, Sir, Greek line is between India and which other country? भारत और किस दूसरे देश के बीच सर ग्रीक लाइन है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। Now next question is, who has been appointed as first ever chief scientific officer of Microsoft? Microsoft के chief scientific officer के रूप में पहली बार किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है एरिक हॉर्विट्स। Now next question is, International Pi Day is observed on which date? अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 मार्च। Now next question is, प्रगति इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय विच कंपनी? किस कंपनी द्वारा प्रगति इनिशिएटिव शुरू किया गया? तो इसका आंसर है फेसबुक इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक? यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रशांत कुमार। Next question is, who sworn in as the first woman president of Greece? Greece की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर है कैटरीना स्केलारोपोलू। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। Oh, 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 oh